ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनियां नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमीग्रेशन सर्विसिज तों। हमेशा कोशिश रही है तुहाडे तक हर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नूं पहलां पहुंचाइए, समय सिर पहुंचाइए, तां कि तुसीं उहदे रहिंदे उहदा सोल्यूशनस या अपने आप नूं सिस्टम नाल अपडेटेड कर रखो। सो अज दा वी जिहड़ा इशू है जी उही रहेगा, यूके दे 10 इंपॉर्टेंट अपडेट जिहड़े कि कुछ दिन पहलां ब्रिटिश काउंसल ने FB लाइव करके, फेसबुक लाइव करके अपडेट दिते ने। एक घंटे का वो सैशन है जिहदा मैं लिंक भी नीचे पाऊँगा, तुसीं उहदा सोर्स देख सकते हो कि मैं इन्फॉर्मेशन कित्थों दे रहा। इहदे विच उन्होंने 10 इंपॉर्टेंट अपडेट्स यूके दे हाईलाइट किए हैं और उन्होंने समझण की भी सानू लोड़ है जिहड़े बच्चे खास करके यूके जाण की सोच रहे सी। सो 10 पॉइंट मैं इत्थे लिख के रखे ने, तुहानू मैं एक एक करके उन्हां बारे दसदा जाऊँगा और कोशिश करूँगा कि शो की लेंथ ज़्यादा ना हो, क्योंकि दोस्त अवॉइड करते हैं लंबे शोज़ नूं देखना। सो पहली चीज़ कि VFS सेंटर अपने जलंधर चंडीगढ़ हजे नहीं खुले। सो जिहड़ियां यूके दियां फाइलां ने तुहाडियां नियरेस्ट जिहड़ियां लग सकदियां ने वह दिल्ली है। नॉर्थ इंडिया लई सारियां फाइलां दिल्ली च लगनगियां और साउथ इंडिया लई बॉम्बे दे विच, यानी मुंबई दे विच। सो मतलब है 2 VFS दे विच यूके दियां फाइलां जमा हो सकदियां ने और बाय कोरियर तुहाडे कोल डॉक्यूमेंट्स जिहड़ा पासपोर्ट है वह डिलीवर हो जाणा है। सो वह तुहानूं कलैक्ट करन लई नहीं जाणा पऊगा, लेकिन फाइल जमा कराउण लई बायोमैट्रिक्स लिए तुहानू दिल्ली जाना पै सकता है। दैट इज़ अ फर्स्ट थिंग, जिन्ना चिर बाकी अदर नहीं खुलते, बट हजे दिल्ली और बॉम्बे दे वर्किंग ने, फुली वर्किंग ने। नाउ सैकेंड कि बॉर्डरस जिहड़े कन्फ्यूजन है बच्चों बार बार, वो मैं अज क्लीयर कर दिना कि बॉर्डरस ओपन है यूके दे, फ्लाइट्स स्टार्टेड ने। वंदे भारत मिशन तो इलावा जिहड़ा इंडिया ने एयर बबल क्रिएट किया सी उहदे च यूके ऐड हो गया। 21 अगस्त तक यह फ्लाइटा चलनगियां, 4 तरीक तो यह फ्लाइटा स्टार्ट हो रही ने। उस तो अगली एक्सटेंशन फिर अपडेट आएगा वो रिवाइवल के उत्ते और फिर वो हिसाब न एक लिंक बनता जाएगा। सो फ्लाइटा का जोड़ा रस्ता है यूके का, वो काफ़ी हद तक हूँ क्लीयर हो चुका है। वो दोबारा जी कन्फ्यूजन है वो नहीं होनी चाहिए। वो लाइव सैशन में भी तुम देख सकते हो, वो एक घंटा लगेगा, मैं तुम्हें वह समअप करने की कोशिश कर रहा। क्वारंटीन मैंडेटरी सी, मैंडेटरी हैगा। यह तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्वारंटीन 14 दिन का करना पेगा, अपनी अकोमोडेशन नूं इत्थों अरेंज करके जाना होगा, अदरवाइज़ तुहानू इमीग्रेशन च इशू आऊगा। सो अपनी अकोमोडेशन कोशिश करो कि यूनिवर्सिटी तो लैके चलो, तां कि तुहानू कोई परेशानी जिहड़ी है वह फेस ना करनी पवे बिल्कुल भी। नाउ फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जिहड़ा उत्थे इंश्योरेंस आपां पे करते हैं, हैल्थ इंश्योरेंस, वो जी फीस है 1 साल की उन्होंने £3,000 कर दी है। पहले थोड़ी वध होंगी सी, 335 पाउंड के आसपास जाती सी, बट हूँ इनू घटा के तकरीबन 300 पाउंड पर ईयर कर दिता गया। सो जिहड़ा कुछ ना कुछ बच्चों का इत्थे जिहड़ी हैल्प है वो हो रही है। नाउ फिफ्थ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिदा कैनेडा आपां कुछ इनकंप्लीट डॉक्यूमेंट्स नाल भी फाइल लाने, इत्थे उन्होंने क्लीयर करता कि मैडिकल और फंड्स यह तुहानू सबमिट करने पैणगे अगर आपां यूके का वीज़ा लेना है। सो इस कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। नाउ सिक्स्थ इंपॉर्टेंट चीज़, सब तो वड्डी कन्फ्यूजन सी बच्चों कि वीज़े किन्ने चिर चाहणगे, उत्थे क्लीयर कर दिता उन्होंने कि हर वीज़ा तुहानू 15 दिनों के मिलेगा। सो 15 दिनों के तुहाडा पासपोर्ट स्टैंप होकर तुहानू मिलेगा, इस सर्विस नाल वो डेडिकेटडली कनैक्टेड रहणगे और हजे इन्ना लोड चल सकते हैं। सैवंथ पॉइंट जिहड़ा हैगा जी इंपॉर्टेंट वाला कि जिहड़े वीज़ा की एक्सटेंशन ऑलरेडी मैं शोज़ 'च दस भी चुका, बट फिर भी मैं दोबारा इनू हाईलाइट करूँगा बिकॉज उन्होंने दसिया तो मेरा फर्ज बनता है सारिया चीज़ा तुहाडे तक पहुँचावा। सो जिहड़े पहला 30 डेज़ की लिमिट आउंदी सी एक स्टूडेंट नूं जिहड़ा वीज़ा मिलता सी, 30 दिनों के ट्रैवल करना पैंदा सी, वो लिमिट हुण 90 दिन की हो चुकी है। सो 90 दिन तुहानूं मिलणगे जदों भी तुहाडा वीज़ा मिलेगा, मतलब इन केस किते भी कोई फ्लाइट्स नूं लैके कोई इशूज़ होण, डिलेज़ होण, दैन ऑलसो यू विल बी ऑन अ सेफर साइड, तुसीं सेफ रहोगे और 90 दिनों के ट्रैवल कर सकोगे। ऑल्दो जिहड़े पुराने बच्चे सी उन्होंने भी एक्सटेंशनस उन्होंने देतीआं, सो इन केस कोई खुदा ना खासा प्रॉब्लम वधी तां इहदीआं भी एक्सटेंशन अगे आउणगीआं, बट फिलहाल 90 दिन का उन्होंने फिर इनफ टाइम जिहड़ा वह देता है। नाउ एट्थ इंपॉर्टेंट चीज़ कि जिहड़ा आपां वीज़ा पहला 5 दिन या 24 घंटे च लैंदे सी अंडर प्रियोरिटी एंड सुपर प्रियोरिटी सर्विसिज, वह वीज़ा नहीं मिल सकेगा, वह सर्विसिज सस्पेंडेड रहणगीआं। हुण जिहड़ी भी फाइल लगेगी उहदे ते डिसीजन 15 दिन, जिद्दां कि उन्होंने कहा है तां 15 दिन दे विच तुहानूं डिसीजन मिलिया करूगा। यह डिसीजन हजे अगे नहीं जाऊगा, लेकिन यह फास्ट भी नहीं होगा, मतलब प्रियोरिटी सुपर प्रियोरिटी च फाइल नहीं लगेगी। उहदी फीस एक्सट्रा जिहड़ी हुंदी सी लाइक सुपर प्रियोरिटी की 20,000 हुंदी सी, सुपर प्रियोरिटी की 1,00,000। सो वह तुहानूं हुण किसी एजेंट नूं भरन की लोड़ नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखियो। नॉर्मल एम्बेसी फीस तुहाडी 32,000 to 35,000 दे विच अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल नाल बनती होगी, सो उही एम्बेसी फीस तुसीं देनी। 9th
ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕਰਤੀ, ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਸੀ ਕਿ ਐਫ ਡੀ ਚੱਲੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਕਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਹੈ, ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੈਪਟੇਬਲ ਨੇ। ਔਰ ਐਫ ਡੀ ਔਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਬੈਲੈਂਸ 28 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੋਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਰੈਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਆਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਹੈ ਉਹ 28 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਲਾਸਟ ਐਂਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਹ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਸੀਗਾ ਪਰਟੀਕੁਲਰਲੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਰੂਲ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਟਫੁੱਲ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਐਡਵਾਈਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਜੇ ਨਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵੋ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 100% ਸੇਫ। ਹਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ, ਵੀ ਐਫ ਐਸ ਕਿੱਥੇ ਫਾਈਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰਡਰਸ ਓਪਨ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਫਲਾਈਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਮ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਣ।